अभी हमारा मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इस देश में घमंडिया गठबंधन बनाकर इसको तमिलनाडु से शुरू किया गया, फिर राजद के लोग लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी चट्टानी एकता के साथ सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित के लिए प्रतिबद्ध है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल ही स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है पूरी भारत को कि हम सनातन के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे और सनातन धर्म को भारत का देश में मुंबई की बैठक में लोगों ने तय किया कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए अभियान चलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको इलाज की जरूरत है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। प्रवास अंतर्गत और अभी हमारा मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसके अंतर्गत लोकसभा प्रवास के दौरान 10 लोकसभा क्षेत्र पूरे बिहार में, जिसमें हमारे केंद्रीय नेता प्रवास में, पहले भी आदरणीय गृह मंत्री जी पूर्णिया आए थे, किशनगंज आए थे, नवादा आए थे, देर आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे वैशाली आए थे। उसी के अंतर्गत लोकसभा प्रवास अंतर्गत आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में है और इसके साथ साथ वो सरकारी कार्यक्रम में भी यहाँ के बाद जाएंगे। 2 बजे उनका कार्यक्रम जोगबनी में है, SSB के कैंप के उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई, सारे लोग इस देश में घमंडिया गठबंधन बनाकर इस देश में मुंबई की बैठक में लोगों ने तय किया कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए अभियान चलाएं, जिसको तमिलनाडु से शुरू किया गया, फिर राजद के लोग लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट तौर पर पूरी चट्टानी एकता के साथ सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्थापित के लिए प्रतिबद्ध है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल ही स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है पूरी भारत को कि हम सनातन के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे और सनातन धर्म को भारत का प्रतीक बनाकर ही रखेंगे। लोकसभा प्रवास के माध्यम से हम सभी लोकसभा क्षेत्रों को इतना ताकतवर और इतना मजबूत बनाएंगे कि हम 40 की 40 सीटों पर कैसे चुनाव जीते, ये पूरी रणनीति हम बनाने का काम करेंगे। जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को इलाज की जरूरत है, और वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि सनातन धर्म को लेकर अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।